दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर की ऐसी औषधि जो शुगर के साथ साथ जोड़ों में दर्द, कब्ज, गैस आदि में रामबाण का काम करेगी। यह औषधि शुगर तो कंट्रोल करेगी ही, साथ ही अनेकों बीमारियाँ भी दूर करेगी। शुगर वाले मेरे भाई बहन शुरू में तो परहेज करते नहीं, बाद में उसका परिणाम यह होता है कि उनको बाद में शुगर के साथ साथ जोड़ों में दर्द, कब्ज, बीपी और गैस आदि की दिक्कत शुरू हो जाती है और उसके लिए उन्हें अनेकों दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, जोड़ों के दर्द की वजह से वह सैर पर भी नहीं जा सकते। आज उनके लिए यह औषधि लेकर आई हूँ जो उनकी शुगर तो कंट्रोल करेगी ही, साथ ही जोड़ों का दर्द, बीपी, कब्ज आदि में तुरंत आराम देगी। और उससे पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, जैसा मैं हर बार करती हूँ, कि सैर जरूर करें। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें। परहेज का खाएं। शुगर वालों को परहेज का खाना बहुत ज़रूरी है। 100 दवा और एक परहेज बराबर होता है। आइए बनाते हैं औषधि जो शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी एक संजीवनी का काम करती है। यह देखिए दाने वाली मेथी, इसे हम अपनी रसोई में खाने में प्रयोग करते हैं। इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो पाचन क्रिया ठीक करता है। मेथी के दाने रक्त में शुगर की मात्रा कंट्रोल करते हैं। यह देखिए अजवाइन, अजवाइन भी हमारी रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाती है। अजवाइन पेट से जुड़ी बीमारियों को भी दूर करती है। यह देखिए बेल के पत्ते जो पूजा में काम आते हैं, ये हमने छाया में सुखा कर रखे हुए हैं। बेल के पत्ते अपच और गैस की समस्या दूर करते हैं। यह देखिए नीम की पत्तियाँ, यह भी हमने छाया में सुखा कर रखी है। नीम की पत्तियाँ शुगर कंट्रोल करने में सहायक हैं। बहुत से भाई बहन शुगर कंट्रोल करने के लिए नीम की पत्तियाँ ऐसे ही चबा लेते हैं। और ध्यान रहे, यह पत्तियाँ छाया में ही सुखानी है। शुगर वालों की उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों में सूजन आने लगती है, जिस कारण असहनीय दर्द होता है। यह नुस्खा जोड़ों के दर्द के लिए भी रामबाण है। अब औषधि तैयार करते हैं। ये देखिए 50 ग्राम मेथी जो हमने धूप में सुखा कर रखी है, मिक्सी के जार में डालते हैं। 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, इसको भी जार में डालते हैं। 10-12 पत्ती ये देखिए बेल की, इसको भी डालते हैं। 10-12 पत्ती नीम की, इसको भी जार में डालते हैं। औषधि तैयार करते हैं। अब इसको पीस लेते हैं और इसके सेवन की विधि भी बताऊंगी। अब मिक्सी ऑन करते हैं। यह देखिए हमारी औषधि बिल्कुल तैयार है। इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे चम्मच के साथ। अगर आप इसे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो मात्रा बढ़ा दीजिए। अब बात आती है इसके सेवन की। आप दिन में किसी भी समय 1 चम्मच ताजे पानी के साथ ले सकते हैं। जिन भाई बहनों को कब्ज रहती है वह इसका 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी के साथ लें। यह औषधि आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगी और आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि इसका कोई और भी फायदा उठा सके। और जय माता दोस्तों।